हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पायल जाखड़। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। सो ये थर्ड पार्ट है हमारा 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। सो आपको ये गिवन है और आपको इसमें बताना है कि राइट ट्रायंगल है या नहीं। अगर है तो इसमें हाइपोटेन्यूज बताना है, अगर नहीं है तो नहीं बताना। सो देखिए, सॉल्व करते हैं हम। एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। इसको नेम देते हैं ए बी सी। ओके, ये साइड हो जाएगी इसकी 50 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 80 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। ओके, सो हम हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला करते हैं। क्या होता है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ओके, ए सी क्या है हमारा 100 का स्क्वायर, ए बी हमारा 15 का स्क्वायर, बी सी 80 का स्क्वायर। ओके, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 10,000। ओके, इक्वल टू में 5 5 25 00 प्लस 8 8 64 00। ओके, ये हो गया। तो इसको हम यहाँ से लिखते हैं, ऐड करते हैं 1 2 3 4, ऐड करते हैं 0 का 0 0 का 0, 4 5 9 6 7 8, ये आ जाएगा हमारे पास ये। ओके, तो ये तो इसके इक्वल है नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, ये ट्रायंगल नहीं है, मीन्स राइट ट्रायंगल नहीं होगा ये। ओके, सो हम क्या लिखेंगे, एक is a not right triangle। ओके, सो ये राइट एंगल नहीं होगा, तो इसका मीन हम हाइपोटेन्यूज भी नहीं बताएंगे। ओके, ये राइट एंगल है ही नहीं। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थैंक्स।